माशाल्लाह से आप ब्लॉग बहुत अच्छा बना रहे हैं। नाइस टू मीट यू। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करना है। बच्चे का तो कहना मान लो। Assalamualaikum पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हो गई ईद ख़त्म, हो गया रमज़ान ख़त्म, ईद भी हो गई, छुट्टियां भी गुजर गई। छुट्टियों से याद आया यार, इतनी सारी छुट्टियां दे दी हैं हमारी इस कौम को कि हम इतनी सारी छुट्टियों के आदि नहीं हैं। और यकीन करें, 5 छुट्टियाँ गुजारने के बाद नेक्स्ट डे काम पर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। सेम यही हाल होगा आप सब लोगों का जैसा मेरा था। एनीवे, तो आज एक डिनर पे मैं आया हूँ। मैं क्या आया हूँ बल्कि मैंने किसी को बुलाया है। और क्यों बुलाया है? वो इसलिए कि मैंने इनवाइट किया हुआ है, किसी से मैंने चैलेंज किया था कि जी पूरे रमज़ान के रोज़े अगर रखोगे तो बड़ा अच्छा सा एक डिनर मिलेगा, ठीक है। और वो कौन है, किसको कहा था मैंने? वो मैंने कहा था अब्दुल अहद को। अस्सलाम, क्या हाल है आप सबके? आप लोग ठीक हैं? हाँ, तो जरा जल्दी से बता दें कि कौन सा चैलेंज जो है वो आप जीते हैं और किस लिए? मुझे चैलेंज किया था रमज़ान शुरू होने से पहले कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम ये रमज़ान पूरे रोज़े रखो। और क्या उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा ट्रीट के नाम से। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं इनसे ट्रीट करवाऊंगा अपनी। हाँ, इसने वैसे वाले जो है ना नेकी की वजह से रोजे शायद नहीं रखे, इसने सिर्फ इसलिए रखे कि ट्रीट मिल रही है भाई। तो क्योंकि लास्ट ईयर जो है शायद रोजे कुछ छुड़ गए थे, 4 छुड़ गए थे, मेरी तबीयत खराब हो गई। 26 रोजे लास्ट ईयर रखे थे अब्दुल अहद ने, लेकिन इस साल जो है वो माशाल्लाह से अब्दुल अहद ने पूरे रोजे जो रख लिए हैं, जो कि माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने डिनर का वादा किया था और ईद वगैरह खत्म हो गई और आज फंस गए हैं। तो इसने कहा कि जनाब चलें, बस जल्दी जल्दी चलें और हमें जाना है। तो हम आ गए हैं बड़े अच्छे से रेस्टोरेंट में। कहाँ आए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलें, आ जाएं। चलो भाई, सही है ना भाई? चलें, आ जाएं। क्या क्या खाओगे वैसे आज? देखते हैं, अभी बैंकर अपना हो जाए। अब्दुल अहद ने बड़ी जबरदस्त सी जगह आज डिसाइड की है। अब्दुल अहद कहाँ ले आयो, जरा ये भी तो दिखा दो कहाँ है। अच्छा, वेरी गुड। अब्दुल अहद ने आज पूरा प्लान किया है कि भाई खर्चा वर्चा आज हो जाए, है ना। यहाँ से रास्ता आई थिंक लिफ्ट कॉल करें। हाँ, कौन से फ्लोर पे जाना? 3rd फ्लोर पे। चलो जी, लिफ्ट आ गई। हाँ यार, जबरदस्त आपने डिसाइड किया है। जो लोग लैपटॉप पे बैठते हैं वो लोग मेरी बात समझ सकते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ जाना है हमने? नीचे ऊपर? ऊपर ऊपर सर, टॉप रिजॉर्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आपको दिखा दूँ। वाह, ठीक हो गया। खर्चे का प्लान बना लिया अब्दुल अहद ने आज। बाय द वे, नाइस प्लेस यार, बड़ी ज़बरदस्ती कोई जगह अब्दुल अहद ले आया है। और इसने इंस्टाग्राम पे डिसाइड की थी वो कौन सी, ये भी मैं बताऊंगा। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जी इस रेस्टोरेंट का पूरा व्यू। मज़े का लग रहा है ना? यही क्यों अटके हुए हैं, ऊपर भी तो है। हाँ, मैं व्यू दिखा रहा था सबको। चले आ जाए, वहाँ ऊपर से ज्यादा अच्छा व्यू आएगा। क्योंकि मैं व्यू आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि इंशाल्लाह जितना रश है, और रात के इस वक्त बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1 बज चुका है, तो जितना रश है उस हिसाब से लग रहा है कि फूड क्वालिटी यहाँ की बहुत बेस्ट होगी। 12:45 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 बज गया है ना, तो इसीलिए इतना रश है कि फूड क्वालिटी अच्छी होगी। तो वो भी मैं बताऊंगा कि फूड में ऑर्डर क्या क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले बेस्ट व्यू बहुत अच्छा है। ओ नाइस, W11। इसे क्या लेते? ये हमारी कराची की मशहूर तरीन एक ब्रांड है ये, ऑलमोस्ट इसको W11 कहते हैं। आप पीछे हटे जरा, मैं दिखाऊं। आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन तमाम लोग जानते हैं। वेरी नाइस, इन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर जो है ये इसको ला के खड़ी कर दी है। वेरी गुड। ये रेस्टोरेंट है भी 3rd फ्लोर पे, अब समझ में नहीं है। किचन वगैरह का सीन लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, आई थिंक क्रॉकरी वगैरह ये रख रहे हैं। बेस्ट हो गया, चलें जी ऊपर चलते हैं। वेरी गुड।
सीट रिजर्व कराई हुई है भाई, आ जाओ। ब्लॉगर है माशाल्लाह से, आप ब्लॉग बहुत अच्छा बनाते हैं। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। ये देखें जी, आज एक इसी रेस्टोरेंट में जो है, ये हमारे भाई है ब्लॉगर, इन्होंने मुझे पहचान लिया है, तो बस आज क्या होगा फिर, बेस्ट सर्विस होने वाली है? नहीं, बेस्ट सर्विस मिलेगी आपको। मैं उधर बैठ रहा हूँ जाके, बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट फूड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुशी होती है जब आपको ऐसे पब्लिक प्लेसेस में आपको अपने फैंस मिल जाएं, या वो लोग जो आपके ब्लॉग्स देखते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। एनीवे, मैं आपको दिखा रहा था यहाँ का व्यू ओवरऑल। ओ ज़ेड ब्रो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? फाइन। कहाँ रह गए थे आप यार? पार्किंग लॉट में रह गया था। क्या कर रहे थे पार्किंग लॉट में? वो टॉय रह गया था मेरा। गाड़ी में कोई टॉय शॉय रह गया था? यार कभी तो तुम अपनी कार्स वगैरह के अलावा भी रह लिया करो यार। यार तो क्या करूं, बोर हो जाता हूं। यहाँ पे भी तुमने अपनी बोरियत के लिए कार्स वगैरह ले आए हो? अच्छा, तो फूड वूड ऑर्डर किया या नहीं किया? मैंने तो चीज पिज्जा मंगवाया। नहीं सॉरी, चिक्का टिक्का। चिकन टिक्का मंगवाया। चिक्का टिक्का ही क्या होता है? नई डिश आ गई है कोई? टिक्का टिक्का नहीं, चिकन टिक्का। अच्छा चलो, और क्या क्या ऑर्डर कर रहे हो? मैंने चिकन नगेट्स विद फ्राइज मंगवाई है। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ, सबको ये बताओ कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है ना? अच्छा है, सही है। अच्छा, आज तुमने अपना वो ट्रेडमार्क नहीं बोला, हेलो गाइस वेलकम बैक, वो तो बोल दो, एंड 1 2 3 स्टार्ट। हेलो गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे वी आर मेकिंग अ व्लॉग। कंटिन्यू करने से पहले लाइक शेयर कमेंट वर्ड और सब्सक्राइब भी करना है। आपको पता है मैं भूल जाता हूँ करना, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है। अरे यार ये भूल जाता है, ये कितनी बार बोले आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, आप लोग करते ही नहीं है। ये जैद ब्रो का ट्रेडमार्क है, ये कर लेंगे जैद ब्रो सबके सब सब्सक्राइब करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। चले अब चल के जरा ऑर्डर शॉर्डर देख लेंगे, खाना पीना क्या, भूख बहुत लग रही है यार, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। देख के क्या लगा, करंट लगा? थैंक यू सो मच यार, मैंने आपको शूट कर लिया। सर के ऊपर इतना हैवी फैन चल रहा है, इधर आए ना। थैंक यू, आपने जो है वो फैन बंद कर दिया। और जो मैं घर से बाल शाल बना के आया था ना, सब इस फैन की वजह से खराब हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने बंद करवा दिया। थैंक यू सो मच। दूसरा सीन ये है कि ये मेरे सर के ऊपर इतनी तेजी से चल रहा था, जो मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ वो क्लियर ऑडियो आ नहीं रही थी, और ये जाने का इसका दिल भी नहीं चाह रहा, ये सारी बातें समझ रहा है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं? थैंक यू भाई। अब्दुल्ला जी क्या था? ये शायद टर्किश चिकन कबाब था विद सैफ्रॉन राइस, आई थिंक सो। टर्किश चिकन विद सैफ्रॉन कबाब ऐसे कुछ है। अब वो मेन्यू सामने रखा होगा तो मैं देख के दोबारा बता सकता हूँ ना है ये, और अगर ये नहीं भी है तो मुझे इससे तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे लग रही है भूख, समझ गया? सिर्फ आप नहीं है, मैं भी ऑर्डर का है। कौन सा पिज्जा ऑर्डर किया था आपने? चिकन टिक्का। फाइनली आ गया एक घंटे के बाद। यार तो रश बहुत है ना यहाँ पे, रात का 1 बज रहा है, रश फिर भी बहुत है। अब ये आपको हर हाल में ये पूरा फिनिश करना पड़ेगा, और अगर ये पूरा फिनिश नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, वो तो मैं ही बताऊंगा। जरूरत नहीं है। फूड क्वालिटी वाकई बहुत बेस्ट है, और यही रीजन है कि रात का 1:30 बज चुका है, वीकेंड है, लेकिन हम आके रूफ टॉप पे बैठ गए हैं, नीचे रश मौजूद है, और रश की रीज़न जो है वो यही है, फूड क्वालिटी बेस्ट होती है। अब ये कौन सा रेस्टोरेंट है, कहाँ पर है, ये मैं आप लोगों को फिलहाल नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे जाके मुझसे पूछना होगा, तो मैं वन बाय वन बताऊंगा कि आपने कहाँ आना है। बेस्ट प्लेस है, खुद भी आएँ, फैमिली को लेकर भी आएँ, फ्रेंड्स के साथ भी आएँ,
और फ्रेंड की फ्रेंड के साथ किया, समझ रहे ना। और अगर आपको बताइए कौन सी जगह आपको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। सारा वो कैमरे के आगे ये वाला चीज पिज्जा आ गया, चीज पिज्जा खा रहा हूँ मैं। खाना वगैरह जो है खा लिया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फूड क्वालिटी जो है वो 10 out of 10 है, तो आप लोगों ने जरूर आना है। बल्कि मैं एक चीज और दिखा दूं कि खाने के बाद सामने क्या हो रहा है, ये देखें। ओहो, क्या हो रहा है, लेमनेड चल रहा है, तो जरूरी है लेमनेड। एक चीज, अब ये एक सवाल है कि ऐसे मूवीज में ऐसे कौन करता है, कौन करता है एक ये सिग्नेचर एक मूव है एक एक्टर की जो हॉलीवुड में बहुत फेमस है, तो अब कमेंट्स में मुझे ये बताएगा कि ये कौन था। चलो जी, आप सब लोगों को जो है वो अब्दुल आद ने काम दे दिया है, सिर्फ इसके ये लेमिनेट चेक करने के लिए। अब आप हॉलीवुड के वो सारे जितने भी हीरोज हैं इनको ढूंढें कि ऐसे यूं करके लेमिनेट कौन पीता है। भाई कोई भी पीता है, फिर कोई सी भी ड्रिंक अपने अपना ग्लास यूं उठा के कैसे ओ अच्छा वो ये कह रहे हैं कि कौन सा हॉलीवुड का ऐसा हीरो है जो अपनी ड्रिंक ऐसे उठा के छत में लेके जाता है और फिर छत से नीचे लाके यूं करके वो पीता है। हिंट ये है कि इस एक्टर का नाम लियो से स्टार्ट होता है, तो अब कमेंट्स में ये बताएं कि ये ऐसा कौन सा एक्टर है। मुझे पता चल चुका है और मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप लोगों ने खुद बताना है बारा। और इधर एक और भी स्टाइल चेक करा दूं, यहाँ पे क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, सैड ब्रो, क्या हो रहा है। बात होती है लेमिनेट की तो एक बात होती है। क्या बात होती है। एक बात होती है, इसके अंदर लेमन होता है जो आपके लिए हेल्दी होता है, लेकिन ये नहीं होता कि सावर होता है, अच्छा भी होता है हेल्दी भी होता है। तो भाई ये इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, जो चैलेंज था वो अब्दुल आद ने कंप्लीट कर लिया है, जीत गया। अब अगला चैलेंज बनता है, मेरी तरफ से जो थी वो ट्रीट भी कंप्लीट हो गई है। और ट्रीट किस बात की थी, इस रमजान रोजे पूरे रखने की ट्रीट थी, पूरे रमजान के 30 रोजे रखने की ट्रीट जो थी वो अब्दुल आद को थी, क्योंकि चैलेंज मुझसे हुआ था। माशाल्लाह से नमाजें वगैरह भी सारी पढ़ी थी, नमाजें वगैरह सारी पढ़ी थी। तो जैसे कि मैंने पूरा इन्वायरमेंट दिखाया था, फूड वॉज अमेजिंग डिलीशियस एंड एनवायरमेंट इन्वायरमेंट जो है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, कौन सी जगह पे है, कौन सा रेस्टोरेंट है। देसी फूड भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, लेबनीज भी है। कहाँ आना है, कैसे आना, ये आप लोग मुझसे पूछेंगे, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा या आप लोग मुझसे कमेंट में पूछेंगे। तो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, और जाने से पहले दोबारा से वही कि जिन जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी आप लोगों के साथ किसी और जगह पे, किसी और रेस्टोरेंट में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइक शेयर कमेंट।